goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो अब जैसे आप सभी को पता है कि अब माता रानी का दरबार लगाती हूँ मैं क्या लगाती हूँ, माता रानी ही लगाती हैं, लोगों के कष्टों को हरती हैं और लोगों के बारे में काफ़ी कुछ बताती हैं। तो दरबार और चौकी मैं लगाती हूँ। तो आज कुछ और मेहमान आने वाले हैं हमारे घर में, और हमारी माता रानी का बुलावा आया है नए दरबार में। हमारी माता रानी जा रही हैं अपने, तो कुछ और नए मेहमान उनके साथ और आने वाले हैं। तो हम यहाँ आ गए हैं पहाड़गंज में। तो यहाँ हम और विग्रह लेने आए हैं। जैसे कि आपको पता है दरबार में माता रानी विराजमान है, तो और भी उनके साथ कुछ और मेहमान हमारे घर में आने वाले हैं। और आप देखिए यहाँ बहुत सारी जो हैं भगवान जी के विग्रह हैं, और सारे देवी देवता यहाँ हैं। मतलब बड़ी भी आपको, छोटी विग्रह भी, बड़ी विग्रह भी, जितने फुट जितने इंच के आप लेना चाहते हो सब यहाँ मिलते हैं आपको। तो हम इस दुकान में आए हैं और हम बहुत सारे दुकानों में जा भी चुके हैं। तो हम निकल चुके थे घर से 2 बजे, तो 2 बजे से हम यहाँ आए हैं। देखिए सारे हमने बहुत सारे यहाँ, मतलब बहुत सारी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी शोरूम है काफ़ी, हाथ के हाथ आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, हाथ के हाथ आपको मिल भी जाते हैं जो रेडीमेड बने हुए होते हैं वो सब। तो हम यहाँ वही देख रहे हैं क्योंकि हमारे 4 मेहमान और आने वाले हैं घर में, और माता रानी का बुलावा आया है और माता रानी ने बताया है कि ये और हमारे साथ जुड़ने हैं और दरबार में ये और आने चाहिए मेरे साथ, 4 विग्रह और बैठेंगे करके। तो उनके आदेश के अनुसार 4 हमारे साथ और मेहमान जा रहे हैं, पर मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि जब हमारा नया दरबार वहाँ जाएगा और वहाँ माता रानी जाएंगी, सारे वहाँ जो विग्रह हैं रखे जाएंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा जब होगी, जब मैं आपको फिर दिखाऊंगी, ठीक है, कि हम कौन कौन से और विग्रह लाए हैं माता रानी के साथ और कौन कौन से हमारे घर में भगवान जी पधारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक कर रही हूँ, तो हमको बहुत बड़े तो नहीं लेने हैं, बस ठीक ठाक लेने हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी तो विग्रह ले नहीं रहे हैं। तो देखिए चलो माता रानी के साथ देखो आज कौन कौन से घर हमारे साथ जा रहे हैं। तो ये सब माता रानी के ही आज्ञा से हो रहा है, उन्हीं के भरोसे से हो रहा है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहे और माँ भगवती काली चैनल भी मेरा जरूर देखिएगा। 6:30 बज गए दोस्तों, हम आए हैं पहाड़गंज है ये, यहाँ मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, देख सकते हैं आप। देखो तो अब जाके फाइनल हुआ है और 4 भगवान जी आज हमारे घर आए हैं। वो मैंने दिखाए नहीं इसलिए क्योंकि वो आप बाद में ही देखोगे जब उनके अच्छे से स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखे पीछे रखे हैं, चारों भगवान जी पीछे बैठे हैं हमारे आराम से। अब हम घर को निकल रहे हैं, 6:30 हो गए हैं। कितने बजे पहुंचे थे हम? काफी टाइम लग गया है ना देखने में इधर उधर, और भी दुकान में हम गए थे जो मैंने वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारे दुकान हमने देखे अच्छे से और अच्छे अच्छे से विग्रह लिए हैं सुंदर सुंदर से। और तो 4 भगवान जी आज हमारे घर फिर से पधार रहे हैं। तो चलो अब घर चलते हैं फटाफट से और इनको नए दरबार में ही हम रख के जाएंगे भगवान जी, ठीक है ना। पहाड़गंज में भीड़, यहाँ भीड़ बहुत है, बहुत ज्यादा, दुनिया भर के लोग यहाँ विग्रह लेने आते हैं। तो फिर दोस्तों चलो अब हम घर जा रहे हैं। लोग जो मेरी माँ भगवती काली देवभूमि दरबार दिल्ली वाला चैनल है उस पर मेरी माता रानी की वीडियो जरूर देखेगा, और उसी पर आपको दरबार की वीडियो भी मिलेंगी। और ये वीडियो मेरी पर्सनल लाइफ की आपको मिल रही है, मैं कब क्या कर रही हूँ कब क्या नहीं कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग भी बनाऊँ थोड़ा बहुत,
क्योंकि अब बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।